फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एच डी में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये आपका दोस्त पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्त, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में जो ब्लॉक पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक पाया जाता है दोस्त, वह होता है आपका एस ब्लॉक। और जो पीरियोडिक टेबल के मिडिल पोर्शन में जो ब्लॉक पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं सर डी ब्लॉक। और पीरियोडिक टेबल में नीचे में एक और टेबल बना हुआ, उसमें जो ब्लॉक पाया जाता है ना, वह होता है आपका एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। यहाँ एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट हो गया। अब एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? देखिए दोस्त, 14 का डबल होता है 28, इसलिए एक ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। जब पी ब्लॉक पढ़ाते हैं दोस्तों, स्टूडेंट और टीचर के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 36 एलिमेंट होते हैं। और जब डी ब्लॉक पढ़ाने जाते हैं दोस्तों, हम हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं, इसलिए डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। तो एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट है, एक ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है, और सी ब्लॉक में टोटल 36 एलिमेंट है, और डी ब्लॉक में आपका 40 एलिमेंट है। यहाँ पर लिखिए 40 एलिमेंट। 6 4 10 10 और 8 हो गया 18 को 8 हाथ में, 4 1 5 5 3 8 8 2 10 11। इसका मतलब उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। तो आखिर पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप और टोटल पीरियड कितने होते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो गड़ा हुआ लाइन है ना, इस गड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं ग्रुप, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप। ये वर्टिकल लाइन हो गई मेरा दोस्त ग्रुप। ये जो गड़ा हुआ लाइन है ना, वो टोटल ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 18 होता है। और ये पड़ा हुआ जो लाइन है ना दोस्त, उसको बोलते हैं पीरियड। पड़ा हुआ लाइन को पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं पीरियड। पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड होता है आपका 7। देखिए दोस्त, एच ब्लॉक में आपका दो ग्रुप पाया जाता है, एक है आपका ग्रुप वन का एलिमेंट और एक है आपका ग्रुप टू का एलिमेंट। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह ग्रुप वन और ग्रुप टू में रहने वाले सभी एलिमेंट को एच ब्लॉक कहते हैं। तो ग्रुप वन में रहने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त हे, ली, ना, करो, रब, से, फरियाद। देखिए दोस्त, ये हो गया जेड। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आपका 87 होता है। जहाँ पर फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो खासम खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता हो, वही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ग्रुप टू में रहने वाले एलिमेंट है आपका दोस्त बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। जहां पर आ रही आपका रेडियम है, रेडियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब एटॉमिक नंबर लिखने जा रहे दोस्त, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 होता है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है। यहाँ पर लिखिए दोस्त 88।
बी ब्लॉक हमारा दोस्त ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 18 में खत्म होता है। तो ग्रुप 13 में रहने वाले एलिमेंट को लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गया ग्रुप 13 और ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दिया और ये हो गया आपका ग्रुप 14। देखिए दोस्त, ग्रुप 13 में रहने वाला एलिमेंट है आपका बैंगन, आलू, गाजर, ईन, केला, जहाँ पर 20 हो गया बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ये है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ये है आपका गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। इंडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 49, हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81। और ग्रुप 14 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक है दोस्त, कौन सी गी सुनाऊं प्रभु, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है और टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, लेड का एटॉमिक नंबर आपका 82 होता है। यहाँ पर दोस्त ग्रुप 15 के एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पर ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 15 में रहने वाले एलिमेंट का ट्री है आपको दोस्त नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, जहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है। यहाँ पर लिखिए दोस्त 83। ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट है आपका ओ, सचिन, से, तेज, पोलार्ड, जहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 होता है, टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52 होता है और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 होता है, जहां पर पोलोनियम आपका दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब लोग दोस्त ग्रुप 17 का एलिमेंट लिखेंगे और ग्रुप 18 का। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट का ट्री है आपका दोस्त ही, कल, बाहर, आई, आंटी, जहां पर एस्टेटिन एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ग्रुप 18 में रहने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त ही, नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण, जहां पर आरएन आपका दोस्त रेडोन है, रेडोन एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, जेनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है और रेडोन का एटॉमिक नंबर आपका 86 होता है। तो ग्रुप 18 को हम लोग दोस्त इनर्ट गैस बोलते हैं, ग्रुप 18 को हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं और ग्रुप 17 को हम लोग दोस्त हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त होल एचडी में पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे मानसू कुमार कहते हैं।